माय रिचार्ज मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की सीरीज में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आए हैं, और एक नहीं, आज हमारे पास डबल धमाका है। यानी कि जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो आपको दो दो प्रोडक्ट्स, यानी कि एक के साथ एक फ्री ट्रेनिंग आपको एक तरह से मिल रही है। तो इस सीरीज में आज हम शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं जी, वो हमारा न्यूट्रीबून का एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, जिसे हम ब्रह्मी के नाम से जानते हैं। और हम सभी जानते हैं ब्रह्मी जो है बहुत लंबे समय से एक तरह से हमारे ये ब्रेन टॉनिक के रूप में आयुर्वेद में इसको मेंशन किया गया है, क्योंकि जो ब्रह्मी है ये हमारी ब्रेन की फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आयुर्वेद के हिसाब से इसको पित्तनाशक माना गया है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है पेट में, हाइपर एसिडिटी की जिसको दिक्कत है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और सबसे अच्छी इसकी बात क्या है कि ब्रह्मी जो है वो हमारी याददाश्त जो है, यानी कि जो मेमोरी है, उसको भी इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है बढ़ाने में। और इसका जो ब्रह्मी का जो नेचर है वो क्या है, ठंडक देने वाला है। तो बॉडी में जो एक्सेस हीट होती है उसको भी ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, हमारी बॉडी को ये ठंडा रखेगा। आगे जाने इसके फायदे जी, जब हम बात करते हैं ब्रह्मी की, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या है, डिप्रेशन, जो कि आज के समय में सबसे बड़ा रोग जो है बना हुआ है हमारे भारतवर्ष पे। और ये जो डिप्रेशन है, ये छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक सभी के साथ सेम समस्या है। आयुर्वेद में ब्रह्मी का सालों से उपयोग चिंता को दूर करने के लिए, यानी कि माइंड को कूल रखने के लिए किया जाता है। और ब्रह्मी जो है ये ऐसी जड़ी बूटी है जो कि एडिप्टोजेनिक है, यानी कि यह हमारे जो मेंटल स्ट्रेस है उसको क्या करती है, कम करती है। और जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार है या जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है इस तरह की, उस व्यक्ति को मैं सलाह दूंगी कि आप क्या देंगे, तुलसी के साथ साथ ब्रह्मी की कैप्सूल अगर आप उसको देते हो तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो किसी भी तरह की डिप्रेशन के लिए आप बंदों को, चाहे वो छोटा बच्चा है, कोई टीनेजर है या बुजुर्ग है, आप उनको ये चीजें दे सकते हैं, तुलसी के साथ ब्रह्मी कैप्सूल। आगे बढ़े, अल्जाइमर, ये भी ऐसी परेशानी है जो कि 60 से ऊपर तकरीबन लोगों को होनी शुरू हो जाती है, या आज के समय में जो हमारा लिविंग स्टाइल है उसके हिसाब से 50 से ऊपर ही शुरू हो जाती है। ब्रह्मी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है ये, साथ में इसका एक बहुत बेहतरीन गुण है वो क्या है, एंटी कन्वुलसेंट है ये, यानी कि ये जो गुण है इसका हमारे माइंड की जो पावर है उसको इंक्रीज करेगा, यानी कि जो हमारा दिमाग का जो काम करने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। साथ ही में ये मिर्गी के लिए बहुत अच्छा है आयुर्वेद के हिसाब से, जिसको ना नींद ना आने की दिक्कत है, यानी कि अनिद्रा है, और जिनको बहुत ज्यादा चिंता रहती है उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। इसके अलावा जो ब्रह्मी है यानी कि अल्जाइमर, उसमें भी आप दे सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत मिर्गी की, जिसे कि एपिलेप्सी बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए, जब हम बात करते हैं मिर्गी की, तो हमने शायद आयुर्वेद में या ऐसे इससे रिलेटेड ग्रंथों में बहुत पढ़ा है इसके बारे में कि भाई सदियों से इसका इस्तेमाल जो है नर्व टॉनिक के रूप में, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। और यही कारण है कि जो मिर्गी के रोगी है उसको आयुर्वेद में ब्रह्मी को एक प्रमुख स्थान दिया गया है ऐसे लोगों के लिए। तो किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की दिक्कत है तो आप उसको ब्रह्मी दे सकते हैं, मिर्गी वाले पेशेंट को आप ब्रह्मी दे सकते हैं, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़े, याददाश्त की कमी जिनको होती है, यानी कि धीरे धीरे जिनकी मेमोरी जो है डे बाय डे वीक होती जा रही है, चीजें याद रखने में दिक्कत आती है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ब्रह्मी जो है बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, और ये एक बहुत नेचुरल आयुर्वेदिक औषधि है, जो कि मैं मानती हूँ कि पूरी दुनिया में इससे बेहतर कोई दवाई हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए नहीं होगी, सप्लीमेंट नहीं होगा। हर उम्र के व्यक्ति को आप इसको दे सकते हैं, आप हर व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है या जवान है। और आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट इसको माना गया है। अगर किसी बच्चे का, अब हम बात करते हैं बच्चे से रिलेटेड, अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
उसको एक जगह बैठ के आराम से याद नहीं हो पा रहा है, या वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, हर मिनट में उसके डिसीजन बदलते हैं। और कई बच्चों के साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा चंचल होते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। और उनको आप क्या देंगे, ब्रह्मी कैप्सूल के साथ साथ न्यूट्रीविन चैप देंगे, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आगे बढ़े, मानसिक क्षमता बढ़ाने में, यानी कि मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने, मैंने अभी पहले भी ये चीज बताई है कि ब्रह्मी जो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, और यही कारण है कि ये जो हमारे माइंड की कैपेसिटी है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये न्यूरो प्रोटेक्टिव की भूमिका निभाता है। यही कारण है कि अगर आप ब्रह्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन, यानी कि जो एकाग्रता है, वो बढ़ेगी, चीजों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, और ज्ञान, और जो आप में अलर्टनेस होनी चाहिए ना, कि भाई कई बार क्या होता है कि बच्चे क्लास में बैठे, टीचर पढ़ा रहे, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि मैम कहाँ पर है, क्या पढ़ा रही है, तो उस अलर्टनेस को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल अपनी मेंटल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप ब्रह्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे बढ़े, जी अब बारी आती है हिस्टीरिया में कैसे फायदेमंद है ब्रह्मी। ब्रह्मी जो है बहुत लाभदायक है हिस्टीरिया के लिए, और हम सभी जानते हैं जिस व्यक्ति को ये परेशानी होती है उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, कि मेंटल और नर्वस डिसऑर्डर दोनों तरह की समस्याएं उसके साथ उत्पन्न हो जाती है, उस व्यक्ति को होती है, और इसको हिस्टोरिया न्यूरोलॉजिकल स्थिति कहा जाता है। इसमें पेशेंट का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि उसको मालूम ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। ऐसे पेशेंट पर किसी भी चीज को लेके फोबिया हो जाता है, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज से डरने लग जाएगा, जैसे कि किसी को पानी से फोबिया हो गया कि भाई पानी के नजदीक नहीं जाएगा, या किसी को आवाज से बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आप दे सकते हैं। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हो जाती है ऐसे लोगों में जिनको डिप्रेशन की समस्या होती है। तो हिस्टोरिया जो है, ये जो प्रॉब्लम है हिस्टीरिया, या अधिकतर जो यंग जनरेशन है हमारी, उनके साथ होती है। तो यहाँ पर यानी कि यंग जनरेशन में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, तो आप वहां पर ये रिकमेंड कर सकते हैं। नींद ना आने पर, अब जिन व्यक्तियों को रात को नींद अच्छी नहीं आती है, तो एक बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है नींद के लिए। यह ना केवल आपको अच्छी नींद देगी, बल्कि जो आपका माइंड है, दिमाग है, उसको भी ये क्या करेगी, शांत करेगी, और शांत करने के साथ साथ आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको ये इम्प्रूव करेगी। कंसंट्रेशन के साथ साथ अलर्टनेस भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो यही कारण है आयुर्वेद में ब्रह्मी को ब्रेन टॉनिक माना जाता है। आगे देखा जाए तुतलाहट की बीमारी, यानी कि जो बच्चे हैं या बीच के एज के शख्स हैं, उनको अगर बोलने में अटकते हैं, तुतलाहट की दिक्कत है, चाहे वो जन्मजात बीमारी क्यों ना हो, ब्रह्मी जो है बहुत बेहतरीन माना गया है। और महर्षि चरक ने भी ब्रह्मी को इस रोग के लिए एक अचूक औषधि माना है। तो अगर कोई बच्चा तुतलाता है, या किसी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत है, तो आप उसको मांगोल के साथ साथ क्या देंगे, ब्रह्मी देंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए, सांस संबंधी, यानी कि जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, वहां आप ब्रह्मी दे सकते हैं। ब्रह्मी जो है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा दोनों ही तरह की बीमारियों में बहुत उपयोगी मानी गई है। और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो हमारी सांस लेने की जो नली होती है, उसमें जलन और सूजन हो जाती है। यही कारण है कि जिससे सांस लेने में उस व्यक्ति को क्या होगी, तकलीफ होगी। और ब्रह्मी जो है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में जो हमारी सांस लेने की नली है, उसकी सूजन को क्या करेगी, कम करेगी, और उसमें किसी भी तरह की अगर इचिंग हो रही है उसको भी ये कम करेगी, और जो हमारे फेफड़े हैं उनको ये क्या करेगी, मजबूती प्रदान करेगी, यानी कि हमारे लंग्स को ये स्ट्रोंग करेगी। और इसी कारण से ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में बेहतरीन मानी गई है। ब्रह्मी के सेवन से हम खांसी और कफ दोनों में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के अलावा। देखिए ब्रह्मी जो है ये इन दोनों में बहुत अच्छा आराम देगी। अगर आपको खांसी की और कफ दोनों की दिक्कत है, तो आयुर्वेद में ब्रह्मी को खांसी और कफ के लिए बहुत अच्छा माना गया। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो आपकी कितनी ही पुरानी खांसी क्यों ना हो, आप इसके साथ साथ मांगोल और अपना जो माई रिचार्ज काढ़ा है वो भी लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए, रक्त को पतला करने में मददगार है, यानी कि जिनको ये कह लीजिए कि जिनका ब्लड थिक है, गाढ़ा ब्लड है, और उनको अपना ब्लड जो है पतला करना है, वहां पर आप
ले सकते हैं। ब्रह्मी के फायदे बहुत है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को यानी कि रक्त संचार को भी बढ़ाती है। ब्रह्मी जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें जो मौजूद है क्या चीजें ऐसी जो कि हमारे हार्ट के साथ साथ हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखती है, वो है एडिनोलियम मेम्ब्रेन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है जो मेम्ब्रेन होती है, और इसी कारण से जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा मेंटेन रहता है। यानी कि अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा इस नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने के बाद में उस मेम्ब्रेन के जरिए। साथ ही इससे जो हमारा ब्लड है वो भी क्या होगा, पतला हो जाएगा, तो आसानी से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है वो बना रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो हम ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए यानी कि प्रॉपर हमारी हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी। अब यहाँ पर बारी आती है कि ब्रह्मी जो है डायूरेटिक है, यानी कि देखिए इसका एक और बहुत बेहतरीन गुण है ब्रह्मी का, और ये बहुत फायदेमंद है खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनको कि ये लगता है कि मैं पानी तो पी रहा हूँ लेकिन जितना मैं पीता हूँ उतना यूरिन नहीं आता है। तो उनके साथ क्या समस्या होती है कि जो वाटर रिटेंशन की समस्या हो जाती है। अब ये वाटर रिटेंशन से एक और दिक्कत आती है, यानी कि वो जो पानी है वो उस व्यक्ति के शरीर में अंदर रहने लग जाता है, जिसके कारण से उसके बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है या मोटापा जो है उसको बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वाटर रिटेंशन की समस्या के लिए आप व्यक्ति को दे सकते हैं, तो ब्रह्मी यहाँ पर बहुत अच्छा काम, बेहतरीन काम करेगी और प्रॉपर जो यूरिन है बंदे का वो कर पाएगा। किडनी स्टोन में ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मी ले रहे हैं तो बार बार आप यूरिन के लिए जाओगे तो किडनी स्टोन की समस्या अगर है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इस तरह की और भी जो बीमारियां हैं यूरिन से रिलेटेड उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए कैंसर के लिए, अब ब्रह्मी का जो उपयोग है वो आप कैंसर के जोखिम को कम करने में, यानी कि ये कह लीजिए जो कैंसर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कम कर सकते हैं अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं। ब्रह्मी में मैंने बताया था बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिससे कि कैंसर सेल्स को बढ़ने से ये रोकता है। और अगर हम बात करें एक अन्य शोध की तो उसमें ये माना गया है कि जो ब्रह्मी है वो हानिकारक कोशिकाओं की यानी कि जो हमारे खतरनाक सेल्स हैं उनको बढ़ने से ये क्या करता, रोकता है। और कैंसर में इसे आप एक सहायक प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये कैंसर की दवा नहीं है, ध्यान रखिएगा ये कैंसर की दवा नहीं है, सिर्फ एक आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। इसके साथ आपको मांगोल और जो हमारी और भी बेहतरीन चीजें वो आपको देनी पड़ेंगी। त्वचा स्वास्थ्य के लिए यानी कि हमारे स्किन को अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहे हमारी स्किन, वहां आप ब्रह्मी का उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मी में बहुत अच्छी मात्रा में पेंटेसाइक्लिक और ट्राइपीन जैसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, और ये दोनों ही कंपाउंड जो है एंटी एजिंग का काम करते हैं। यानी कि जो भी एजिंग के साइंस हमारे फेस पे आते हैं, चाहे वो रिंकल्स हैं, चाहे वो हमारी ड्राई स्किन है, या स्किन पर किसी भी तरह के पैचेस जो आने शुरू हो जाते हैं या पिगमेंटेशन जो शुरू हो जाते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है और हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाता है। यह जो कंपाउंड है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा हमारी स्किन के ऊपर, तो आप हेल्दी स्किन के लिए भी, एंटी एजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए अभी उपयोग की विधि आती है, भाई हम कैसे ले सकते हैं। आप रेगुलर इसको दो दो कैप्सूल दिन में 2 बार, लेकिन खाने से 1 घंटा पहले आप गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर। अभी तक हमने इस सीरीज में कोई भी नेचर डी का प्रोडक्ट नहीं उठाया है, आज फर्स्ट प्रोडक्ट नेचर डी का मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो गया है। अब हम सभी जानते हैं धीरे धीरे गर्मियां जो है शुरू हो चुकी है, और नेचर डी का जो ये बॉडी वॉश है ये हमारी स्किन की सुरक्षा के साथ साथ उसमें हमारी स्किन में मॉइस्चर जो है उसको भी ये मेंटेन रखेगा। यानी कि हम अगर हर तरह से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, त्वचा के लिए एक तरह से ये वरदान है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा तुलसी बॉडी वॉश है उसका जो पीएच लेवल जो है वो साबुन के मुकाबले क्या है, बहुत कम है। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है, जिन लोगों को साबुन से दिक्कत आती है
या साबुन लगाने के बाद रैशेज होते हैं या खुजली होती है, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। यह त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। आप छोटे से बच्चे के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़े, अब इसमें ऐसा चीज है क्या? देखिए, जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई है, तो यह सबसे पहली चीज आती है हमारी तुलसी। हम सभी जानते हैं कितनी बेहतरीन है। सेकंड है इसमें नीम, जो कि स्किन के लिए अपने आप में एक रामबाण है। और लिक्योराइस पाउडर, यानी कि मुलेठी का पाउडर। और मुलेठी पाउडर सदियों से आयुर्वेद में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे स्किन को कूलिंग, यानी कि ठंडक भी प्रदान करता है, साथ में स्किन से रिलेटेड जितने भी इंफेक्शन है उनको भी ये क्या करेगा, दूर करेगा। और जो हमारा स्किन का कलर है, स्किन टोन है, उसको भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इसमें रोज एक्सट्रैक्ट, यानी कि गुलाब एक्सट्रैक्ट भी है, और इसमें इसके साथ साथ पपीता, पपाया एक्सट्रैक्ट भी है। और जो पपीता एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस है, निशान है, उनको ये दूर करता है। तो हमारी स्किन को बिल्कुल साफ बनाता है। आगे बढ़े, नेचर डी बॉडी वॉश जो है, ये हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चर प्रदान करेगा, यानी कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी इसको यूज करने के बाद। साथ साथ में स्किन की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि लोच जो है स्किन में, उसको भी ये मेंटेन करेगा। और जब भी हमारे मौसम बदलते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्किन जो है कटी फटी सी होने लग जाती है, या कई जगह रूखा है, कई जगह हमारी स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, उसमें ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। त्वचा को बेहतरीन तरीके से साफ करता है हमारा बॉडी वॉश। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी आपके स्किन से रिलेटेड जितनी भी परेशानी, चाहे मैल है आपको या कीटाणुओं से कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है किसी भी तरह का, तो उससे आपको निजात मिलेगी। ये स्किन को बिल्कुल मॉइस्ट रखेगा, आपकी स्किन को सूखने नहीं देगा। जबकि अगर आप साबुन का उपयोग करें तो आपकी स्किन जो है नहाने के कुछ समय के बाद सूख जाती है, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी स्किन में नहाते समय चुभन होती है, ये एकदम से चटका सा लगता है, अब ये इसी चीज के बारे में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पहले से अर्टिकेरिया, स्किन की प्रॉब्लम थी, जिसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी पे छत्ते आ जाते हैं। और मेरे साथ दूसरी तरह की थी, जिसे शीत पित कहा जाता है, यानी कि अगर मैं सर्दियों में नहाने चली जाऊं गर्म पानी से, तो मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग सी हो जाती थी। तो उस समय मैंने इसका उपयोग करा तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो अगर किसी व्यक्ति को नहाते समय चुभन होती है, चटका लगता है, या उसकी खुजली बढ़ जाती है, चाहे वो गर्मी का मौसम है, आप वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे तो इस तरह की परेशानी से आपको निजात मिलेगी। आगे देखिए जरा, जांग और बगलों के बीच जो खुजली होती है, अब मैंने बताया था गर्मियां शुरू हो गई है, सबसे बड़ी परेशानी जो हम लोगों के साथ रहेगी, चाहे महिलाएं हैं जो किचन में काम करती है, या जो हमारे जेंट्स से बाहर जाते हैं काम के लिए, जॉब के लिए, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनकी जांघों में, बगलों में बहुत ज्यादा खुजली होती है, और वहां पर छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। अगर आप खुजली करेंगे तो वहां रेडनेस हो जाएगी। तो अगर आप इस बॉडी वॉश का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इन सारी परेशानियों से निजात मिलेगी। नीम पुरीम कैप्सूल के साथ अगर आप इसको उपयोग करेंगे तो आपको इस तरह की स्किन से रिलेटेड कोई समस्याएं नहीं होंगी। अब बात आती है खुजली, दाद या त्वचा की एलर्जी जो है उसमें। देखिए, सभी प्रकार की खुजली, चाहे वो किसी भी तरह की है, किसी को दाद है, खाज है, या त्वचा की कोई भी एलर्जी है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन क्यों ना हो, आप वहां पर इसका उपयोग दे सकते हैं। तुलसी बॉडी वॉश फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत उपयोगी है। और ये जो बॉडी वॉश है, इसके साथ साथ आप नीम प्यूरिम के कैप्सूल्स अगर दे रहे हैं साथ में, तो आपको इन सभी चीजों से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बारी आती है उपयोग की विधि। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी बॉडी को गीला करेंगे और एक लिमिटेड मात्रा जो है वो लेंगे आप इसकी, हमारे बॉडी वॉश की, और उसको पूरी स्किन पे गोल गोल करते घुमाते रहेंगे और बहुत अच्छे इसके झाग बन जाएंगे एक समय के बाद। और उसके बाद आप स्पंज, यानी कि जो एक नरम सा स्पंज आता है, उसका उपयोग कीजिएगा और उससे बेहतरीन ढंग से अपनी स्किन को साफ करके पानी से धो लीजिएगा। धोने के बाद आप इसको सुखा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगी, इसके साथ साथ अगर आप हमारा जो बॉडी लोशन है वो अगर यूज करेंगे तो आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। तो आप इस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। और एक और टिप इसी के साथ मैं देना चाहूंगी, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और गर्मियां शुरू होते ही जिन बच्चों को छोटे छोटे दाने पीठ पे आगे निकल आते हैं, जिसे हम घमोरिया कहते हैं, तो आप उन बच्चों को बॉडी वॉश से नहलाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माई रिचार्ज, जय हिंद। माई रिचार्ज मॉर्निंग।
हम लोग तो सुने हैं अभी बहुत कुछ प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट के बारे में। एक ब्राह्मी कितना बढ़िया काम करते हैं हमारे शरीर में, बहुत कुछ बहुत कुछ। बाद में हम बात करेंगे, जैसा रहेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। और जो तुलसी बॉडी वॉश, वो भी कितना एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन मैम से तो मैं बहुत कुछ सुने हैं, अभी जो प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे वो हमारा एक सेल सेल से हम सुनेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट के बारे में सर बोलेंगे, हम लोग लिखेंगे वो। तो आज अभी मैं बुलाऊंगी एक सर को, जो सर का नाम है गोविंद गैगवाल सर, और हम लोग क्लैपिंग से सर को बुलाएंगे, गोविंद गैगवाल सर को। सर प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच जयिता मैडम जी, थैंक यू सो मच। माय रिचेज आर द मॉर्निंग एमडी सर एंड माय रिचेज आर द मॉर्निंग ऑल एवरीवन। जैसे कि आज ने दो प्रोडक्ट के बारे में आप लोग सुने, काफी प्रभावशील रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज हम लोग फिर किन्हीं दो प्रोडक्ट के बारे में आज फिर से ट्रेनिंग लेते हैं। तो सीधा चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए स्लाइडिंग की ओर, और अच्छी तरीके से पेन और डायरी को रखिए, नोट करिए, ताकि आज का जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और हमारे लाइफ में, ये दिनचर्या में काम आने वाला प्रोडक्ट है। चलिए चलते हैं सीधा स्लाइडिंग में। आपका फोकस स्लाइडिंग और मेरे शब्दों में होना चाहिए। जी आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अपने जो दैनिक जीवन में हम लोग जो ऑयल का उपयोग करते हैं अपने खान पान में, तो हम लोग आज समझेंगे राइस ब्रान ऑयल के बारे में। आप भोजन बनाने के लिए कई तरीके से तेल उपयोग करते हैं, जैसे कि सरसों का तेल उपयोग करते हैं, कई लोग फल्ली का तेल उपयोग करते हैं। तो ये सबसे बेटर राइस ब्रान ऑयल क्यों है भोजन को स्वस्थ बनाने में और स्वादिष्ट और सेहतमंद के लिए राइस ब्रान तेल क्यों है, आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं राइस ब्रान ऑयल के फायदे के बारे में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारा न्यूट्रीबून का, माई रिसर्च का राइस ब्रान ऑयल। तो सबसे पहले चलते हैं बेनिफिट नंबर वन की बात किए तो हृदय रोग के खतरे को कम करता है। माई रिचार्ज न्यूट्रीबून राइस ब्रान तेल का सेवन करने से हृदय रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। इस तेल में गामा ओरिजिनल नामक पदार्थ होता है जो कि दिल से संबंधित परेशानी से राहत दिला सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित करता है और हड्डियों को मजबूत बनता है। अब सवाल आता है कि गामा ओरिजिनल नामक पदार्थ क्या होता है सर? तो हमारे हृदय से लेकर जो नसों में जो जो क्या बोलते हैं जो नली होती है, उस नली को कोलेस्ट्रॉल जाम हो जाता है तो उसको लचीला प्रदान करता है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बेहतरीन हो। उस पदार्थ जो गामा ओरिजिनल नाम जो पदार्थ रहता है वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है यहाँ पर हृदय के लिए। दूसरा चलते हैं फैटी एसिड और विटामिन का स्रोत है। तो आइए चलते हैं माई रिचार्ज न्यूट्रीबून राइस ब्रांड तेल का किसी भी आम तेल के मुकाबले में सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इस राइस ब्रांड तेल की चावल की भूसी से तैयार किया जाता है, ये सबसे खूबसूरती बात है। हमारे जो चावल को जो छिलका निकलता है ना, जिसको भूसी बोलते हैं, उसी भूसी से तैयार किया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और यहाँ पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पिया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, कभी भी कोई तेल में, जैसे कि नारियल तेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। देखिए फैटी एसिड दो प्रकार का होता है, एक शरीर के लिए अच्छा होता है, एक शरीर के लिए खराब होता है। तो जो भी सैचुरेटेड एसिड होता है, जैसे कि अपन नारियल तेल क्यों उपयोग नहीं करते खाना, क्योंकि वो सैचुरेट पाया जाता है, सैचुरेट फैटी एसिड पाया जाता है। हमारे राइस ब्रान तेल में अनसैचुरेट फैटी एसिड पाया जाता है, ऐसे तत्वों से पाए जाते हैं जो शरीर के कई लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। अब चलते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब आप सुने होंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने का कारण जो है, जो ब्लड जो वेसल्स है हृदय की आर्टरीज को ब्लॉक करने में बहुत डेंजर रोल प्रदान करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर में, जैसे चर्बी बोल सकते हो, वसा बोल सकते हो, अगर वो नली में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, अन्य तेल आप यूज करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ रही है, तो फिर हार्ट ब्लॉकेज की खतरा बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन आप राइस ब्रान तेल अगर माई रिचार्ज न्यूट्रीबून का उपयोग करते हैं सर, तो यहाँ पर जीरो कोलेस्ट्रॉल है,
मतलब समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जीरो, एक तरफ में देखिए इस चित्र में एक तरफ में पूरा कोलेस्ट्रॉल भरा है, एक तरफ में जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो सर हमारे जो माई रिचार्ज न्यूट्रीबिन का राइस ब्रेन है इसमें तेल 0% कोलेस्ट्रॉल है और ये हमारे हृदय के लिए बहुत बेहतरीन तेल है। हृदय जो स्वस्थ रहेगा, हृदय का काम क्या है, हृदय का काम रहता है कि आपके ऑक्सीजन और आपके जो रक्त को हर नलिकाओं में आपको भेजने का काम करता है। अब आता है हृदय की, यहाँ पर बात करेंगे तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का स्रोत पाया जाता है हमारे न्यूट्रीबिन के राइस ब्रान तेल में। ओमेगा 3 क्या काम आता है, ओमेगा 3 के बारे में मैं बता दूं, हृदय से लेके मस्तिष्क से लेके त्वचा के कितने सारे अंगों में ये पंप करने का ये जो विटामिन ओमेगा 3 है ये काम आता है। ओमेगा 6 है अच्छी मात्रा में है, ये दिल संबंधित रोगों को होने वाले जो जोखिम होता है ना उसको कम करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में मदद करता है। मतलब जो ओमेगा 3 में जो एंटी इंफ्लेमेटरी के जो गुण होते हैं शरीर को जलन को कम करता है। तो इस प्रकार से आप राइस ब्रेन तेल उपयोग करते हैं तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी आपको यहाँ पर मिलेगा और किसी भी बाजार के अपेक्षा जो मिलावट बिल्कुल ही नहीं है। आप देख सकते हैं माई रिचार्ज न्यूट्रीब्यूर राइस बॉल तेल में ये शुद्ध राइस ब्रांड तेल है। बाजार के जैसे आम तेल के खास करके सरसों का तेल के बारे में आप लोग सुने होंगे तो आपको मैं बता दूं सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल यानी मतलब सत्यानाशी तेल का मिलावट होता है। यह आर्जीमोन होता क्या है, ये सरसों की तरह से छोटी फली से निकलती है और इसमें काले बीज होते हैं, मतलब आपको फर्क बिल्कुल पता नहीं चलता भाई, सेम सरसों की तरह दिखते हैं और इसके बीजों का सरसों जो तेल निकाले जैसे पाम तेल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसको आर्जीमोन तेल के नाम से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, हम शुद्ध सरसों का तेल हम लोग उपयोग करते हैं हमको लगता है, लेकिन हमारा ये जो ये तेल है ये कितना घातक होता है सरसों का तेल। आप देखते हैं हमारा रिफाइंड तेल की बात की जाए तो बाजार में आप रिफाइंड तेल अगर एक बार दो बार तीन बार जो फिल्टर के सर एक बार रिफाइंड के लिए 7 केमिकल का उपयोग हो रहा है, दो बाल के लिए 12 केमिकल का उपयोग हो रहा है, हम उसके बारे में जानते नहीं। हम सस्ते दामों के लिए हम लोग उसी सस्ते का तेल का उपयोग करते हैं। आप 30 रुपया 40 रुपया बचाने के हिसाब लगाइए ना सर, अगर 40 रुपया भी बचाते तो 12 चौके 48 480 के लिए आप एक साल में 480 बचाते हैं सर, इसके लिए कितना बड़ा डेंजर रोल आप डिसीजन ले रहे हैं। 400-500 के बचत के लिए हल्का तेल उपयोग करके ये हार्ट को ब्लॉक करके आपको यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर जान देने का खतरनाक है। आप बाहरी थोड़ा सा भी चीज में अगर आप थोड़ा सा अगर राइस ब्रांड का तेल के बारे में स्टडी करेंगे तो इसमें पाया गया इतना बेहतरीन बेहतरीन गुणवत्ता है जो अन्य जो बाजार के तेल के अपेक्षा राइस ब्रांड में बहुत ही बेहतरीन कारगर है। शारीरिक क्रिया में सुधार करता है, हमारे माई रिसर्च न्यूट्रीबून राइस ब्रांड में हार्मोन को संतुलित करने में मददगार है, जैसे मोटापा होना या फिर माता और बहनों को पीरियड अनियमितता में प्रॉब्लम होता, चाहे बालों की ग्रोथ की समस्या हो, चाहे पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो, शरीर की समस्या को सही करने में शानदार है हमारा राइस ब्राउन तेल और भोजन को पचाने में बहुत बेहतरीन काम करता है। ये जो तेल होता है कभी भी आपको जब भी भोजन को पचाने में जो अमाशय का रोल होता है उसमें सहायक प्रदान करता है, कभी भी पेट में जलन नहीं होता। आप लोग बोलते पेट जलन हो रहा है, एसिडिटी है, ये सब कारण क्या है, आपका ये तेल है। तेल आप हम लोग जो तेल का उपयोग करते हैं सर, मैं चाहूंगा आप तुरंत अपना राइस ब्रांड तेल माई रिचार्ज का उपयोग करिए और अन्य तेल के मुकाबले ये कम खर्चा होता है। सबसे खूबसूरती बात यह है माई रिचार्ज न्यूट्रीबून राइस ब्रान तेल में हम किसी भी बाजार के आम तेल के मुकाबले में हम लाते हैं और हमारा दिमाग सस्ते में चला जाता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा जो राइस ब्रान तेल का अगर उपयोग करेंगे तो जो वो तेल हम लोग किलो उपयोग करते हैं सर, ये इसमें लगभग लगभग इसमें 75% का आपको उपयोग होगा। आपको ये भी सोचना है, आप पूड़ी पकौड़ी कभी भी तलने का आप देखिए दोनों को में कम धुआं छोड़ता है तो आप दोनों में देखेंगे तो रिजल्ट आपको पता चलेगा, कम तेल उपयोग होगा। और राइस ब्रांड तेल के उपयोग के बारे में मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेल का उपयोग आप हर तरीके से जैसे जलेबी है, समोसे हैं, पकौड़े हैं इत्यादि रूप में आप हर प्रकार के राइस ब्रांड तेल से बनाया जा सकते हैं और शरीर के लिए बहुत बेहतरीन। सर आपका हार्ट को अगर ब्लॉकेज करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अगर नियंत्रण करता है इससे बेस्ट नहीं है। और मैं चाहूंगा माई रिचार्ज का राइस ब्रांड तेल को आप जरूर उपयोग करिए। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट रहा हमारा, आशा करता हूँ ये फर्स्ट प्रोडक्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, आज चलते हैं हम लोग सेकंड प्रोडक्ट की बात में, हम लोग ग्रीन टी।
और ग्रीन टी के आज इतना बेहतरीन आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज होगा, क्योंकि ग्रीन टी है अधिकतर हम लोग हिंदुस्तान में लगभग एक गणना के अनुसार में 1750 में, इसका गणना के अनुसार में मैं रिसर्च करके देख रहा था कि यहाँ हम लोग जो चाय पीने के आदत जो चला, खास करके अंग्रेजी गुलामी में ये स्टार्टिंग हुआ और ये ठंडे प्रदेश के लिए स्टार्टिंग था, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान में इनका आदत सी हो गई है। तो ये जो नॉर्मल चाय पीते हैं वो और ग्रीन टी पियेंगे वो कितना धरती और आसमान का है, आइए जानते हैं। ग्रीन टी में मैं बता दूं, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर खजाना है जो मानव शरीर के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है, बहुत सारे। तो फायदा को देखते जाते हैं ग्रीन टी के पीने से। इम्यूनिटी बूस्टर है ग्रीन टी, मतलब मैं बार बार बोलता हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है ना, तो वो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है तो आपको कोई भी प्रकार का बीमारी आपको छू नहीं सकता। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम अगर कम है तो सर आपको बहुत तरीके से दिक्कत हो सकता है। तो ग्रीन टी में क्या है, आपको इम्यून सिस्टम बूस्टर है। हम कभी भी अपना डाइट को बदले ना सर, हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को फ्री रेडिकल को खत्म करके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, और इम्यून सिस्टम मजबूत होने से क्या प्रभाव, जितना भी प्रकार के बीमारियां हमको छू नहीं सकती, और इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है तो आपका शरीर बहुत बेहतरीन रहेगा। साथ ही साथ चलते हैं, इसमें एंटी एजिंग के गुण किम पाए जाते हैं, इसके लिए बहुत बेहतरीन सहायक है। ग्रीन टी में फ्लेवोनाइड होते हैं जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव क्षति से रोकता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये जो फ्लेवोनाइड्स होता है त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे त्वचा देख सकते हैं झुर्रियां निकल जाना या त्वचा में क्या बोलते हैं पिंपल्स पड़ जाना, ये जो फ्लेवोनाइड्स है ना त्वचा के लिए बहुत शानदार उपयोग होते हैं। यह एंटी एजिंग से बचाता है और त्वचा को जवान रखने में मदद करता है। आप ग्रीन टी पीने वाले को देखिए, उसको त्वचा में निखार कैसे रहता है। साथ ही साथ चलते हैं, वजन कम करने के लिए बहुत बेहतरीन रहा। आजकल आप खास करके देखे होंगे ग्रीन टी के बारे में, जितना आप सुने होंगे वजन के नाम से सुने होंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वजन को कम करने में तो लाभकारी है, क्यों लाभकारी है, ये जमे हुए फैट को कम करती है और ये शरीर के मेटाबॉलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाती है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन, जिसको हम लोग पॉलीफेनॉल्स नाम से जाने जाते हैं, और कैफीन के मिश्रण, मतलब लगभग लगभग इसमें 60 मैंने तत्वों में कैफीन की मात्रा है, और इसमें भी पॉलीफेनॉल्स और कैफीन की मात्रा का अगर मिश्रण किया जाए तो वजन को कम करने में शानदार इफेक्टिव है और संतुलित वजन को संतुलित करता है। वेट लॉस के नाम से आप इसको ग्रीन टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक। मैं हमारे शरीर में दो कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है और एक जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है। तो एक प्रकार के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल की रिसर्च के अनुसार एक रिपोर्ट में पाया गया है कि ग्रीन टी में हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो जिसे हृदय रोग से होने की आशंका बढ़ती है, जिस स्तर को कम करते हैं। हमारा जो पॉलीफेनॉल्स इसमें तत्व तो पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से हार्ट एट स्ट्रोक, मतलब हार्ट अटैक का जो खतरा रहता है वो बहुत कम चांसेस होता है। अगर ग्रीन टी लेते हैं आप तो इसमें पॉलीफेनॉल्स का बेहतरीन इसमें तत्व तो आपको पाए जाते हैं। मस्तिष्क के लिए ग्रीन टी पीने के लिए बहुत बेहतरीन है। ग्रीन टी सेवन करने वाले जो मस्तिष्क के लिए, अगर ये है कि ग्रीन टी चिंता को कम करता है, जो स्ट्रेस रहता है कोई भी प्रकार के स्ट्रेस लेके, चाहे कुछ भी समस्या के लेके अगर स्ट्रेस रहते हैं आपको, तो मस्तिष्क कार्य प्रणाली में सुधार करती है और एकाग्रता को बढ़ाने में और सकारात्मक सोच में आपको बहुत बेहतरीन यहाँ प्रभाव करती है। ये सभी लाभ के पीछे ग्रीन टी में मौजूद जो है पॉलीफेनॉल्स मैंने बताया और कैफीन और एल्थीनाइन का संयुक्त प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से ग्रीन टी में हमको बेहतरीन बेहतरीन हमरो तत्व मिलता है। मुंह के स्वास्थ्य के लिए ग्रीन टी का लाभ आप अधिकतर देखे होंगे, अगर ग्रीन टी सेवन करेंगे तो मुंह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अगर इसको सही तरीके से सेवन किया जाए तो ग्रीन टी में जो बैक्टीरियल फ्लॉक के नियंत्रित करने में जो दांतों को खराब होने से बचाता है, और एक अध्ययन से अनुसार में ग्रीन टी में कैटेचिन और जो हमारा जो मुंह के रिलेटेड जो बैक्टीरिया है, और क्या क्या बैक्टीरिया है हमारे मुंह में जो ज्यादा संक्रमण फैला सकता है, तो वो है प्रीविटेला इंटरमीडिया। ये जो प्रीविटेला इंटरमीडिया और जो प्रीविटेला निग्रेसेंस,
से बढ़ने से रोकती है। ये दोनों जो बैक्टीरिया है इसको भी मार गिराने का ये काम करता है हमारा ग्रीन टी। मुंह के सारे बैक्टीरिया को जो संक्रमण फैलाने का ये जिम्मेदार ये जो बैक्टीरिया यही है। कैंसर और जैसे बीमारी खतरनाक बीमारी से भी फायदेमंद है। आप देख सकते हैं ग्रीन टी में, जैसे अभी वंदना मैडम ने बताया कि कैंसर जो है 80 से 90% चरण आपके शरीर में प्रवेश कर देता है तब आपको महसूस होता है कि मुझे कैंसर है। तो ग्रीन टी को सेवन करने से कैंसर जैसे घातक बीमारी के खतरे को भी कम करता है और ग्रीन टी में ब्रेस्ट कैंसर और जो प्रोस्टेट कैंसर सुरक्षित रखने में काफी मददगार है। अब आप बोलेंगे कि सर टी ब्रेस्ट कैंसर क्या है, प्रोस्टेट कैंसर क्या है? तो जो टी ब्रेस्ट कैंसर रहता है खास करके महिलाओं में जो स्तन के रिलेटेड जो कैंसर पाए जाते हैं इसमें, वो है टी ब्रेस्ट कैंसर। और जो प्रोस्टेट कैंसर क्या है कि आप जो पेशाब नली है और स्पर्म का जो नली है वो दोनों के बीच में एक दरवाजा होता है, वहां पर अगर कैंसर होता है उस कैंसर को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो ये दोनों कैंसर के लिए भी लाभदायक है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी में पाए जाने जो पॉलीफेनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट होता है वो स्किन पे कैंसर सेल को मदद करने से कैंसर सेल को रोकते हैं। और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक पॉलीफिनोल्स में एंटी कैंसर को लड़ने का वो गुण पाए जाते हैं। याद रखिए ये मुक्त कणों को भी लड़ता है और कोशिकाओं को डीएनए से क्षति से भी बचाता है। आपके शरीर में कोशिका को जो कोशिका को टूटने से भी ये डीएनए को क्षति से भी बचाता है हमारा ग्रीन टी। स्किन को हेल्दी रखती है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी उपयोग करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर विटामिन और मिनरल्स त्वचा के लिए बेहतरीन लाभदायक है। इसके अलावा ग्रीन टी एक्ने और एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करती है। और कभी भी हम लोग सूर्य की पैरे बिगने किरणें हो, चाहे आप हम लोग जो कभी भी आप लोग हम बाहर निकलते हैं तो ये धूल डस्ट से ये जितना भी टॉक्सिन रहता है ना बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है और नेचुरल ग्लो पैदा करते हैं। स्ट्रेस दूर कर, मैंने बताया कि आप ग्रीन टी लेते हैं तो आपको स्ट्रेस को दूर करने में भी रामबाण उपयोगी है। हमारे शरीर में दिमाग में एक नली जाया जाता है, वो ग्रीन टी अगर लेते हैं तो इसमें क्या नली बोलते हैं, उस नली को L-theanine के नाम से आप जान सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के में मददगार करते हैं। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम समस्या के नाम से अगर तनाव रहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ग्रीन टी के पीने की आदत डाल लीजिए। अगर नॉर्मल चाय पीते तो ये तनाव और बढ़ जाएगा, अगर ग्रीन टी पीते हैं तो आप मानसिक स्वास्थ्य से बेहतर हो जाएंगे। आप डायबिटीज पेशेंट के लिए, मधुमेह के लिए ग्रीन टी के फायदे हैं इसमें बेहतरीन। जापान में अगर रिसर्च में अध्ययन पता चल गया है कि कोई भी अगर रोजाना एक कप से भी कम ग्रीन टी पीने वाले लोगों की तुलना में प्रतिदिन अगर 6 से अधिक उससे कप ग्रीन टी वाले सेवन करने वाले जो लोग हैं उन व्यक्तियों में 33% और जो टाइप 2 के जो डायबिटीज के खतरा रहता है उसको भी ये कम करता है। तो कभी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए आप ग्रीन टी के सजेशन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है, कम करता है। इसका फायदेमंद क्या है, फायदेमंद अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को भी कम करने में मदद करता है, सहायक है। आप एकदम अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, तिल मिलाना होता है, गुस्सा आना होता है बहुत बड़ा, ये तो ये ग्रीन टी उसको शांत करता है। जब कभी भी हाई ब्लड प्रेशर वाले को ग्रीन टी का सजेशन जरूर करिए। अब आता है सर इस्तेमाल कब नहीं करना है। ग्रीन टी को अधिकतर इस्तेमाल करने में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब नहीं करना है। तो इसको कब नहीं करना है इसको पहले जान लेते हैं। तो खाना खाने के तुरंत पहले कभी भी ग्रीन टी नहीं लेना है और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ग्रीन टी लेना नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो सोने के ठीक पहले, नहीं तो नींद उड़ जाएगी आपका, तो कभी भी नहीं लेना है सर इस टाइम में। तो आप तो इतना नहीं लेने का गुण है तो कब पिए सर ग्रीन टी को। तो ग्रीन टी को पीने का शानदार तरीका है नाश्ते से लेकर लंच के बीच तक, दिन भर में आप कभी भी पी सकते हैं या फिर लंच से लेकर डिनर के बीच में आप कभी भी पी सकते हैं। तो इस गैपिंग में आपको पीना रहेगा। और ग्रीन टी कैसे बनाएं, तो सबसे पहले ग्रीन टी को बनाने का विधि जान लें। तो सबसे पहले जरूरत के अनुसार हम पानी को खूब बढ़िया से उबालना है और उस पानी को हमको जो हमारा माई रिचार्ज का बना हुआ जो वैक्यूम जो बॉटल है उसमें भरकर रख लेना है उबाल के। उसके बाद किसी भी बर्तन में पानी को डालकर उस पानी में थोड़ा सा ग्रीन टी की पत्ती डाल दें और उसमें बढ़िया से छान लें
और उसमें आप चाहेंगे तो अगर कुछ शहद है, शक्कर नहीं डालना है, शक्कर तो जो अम्ल है और बढ़ा देगा फिर, और यही तो खतरनाक है, शक्कर के इस्तेमाल कभी नहीं करना है। आप कुछ शहद है हमारे मायरी चर्च के, उस शहद को डाल दीजिए, तुलसी है उसको डाल दीजिए, और मैं तो बोलता हूँ स्टीविया का सजेशन बेहतरीन रहेगा, एक दो बूंद स्टीविया डाल, नेचर चीज है, प्राकृतिक का, शक्कर कभी भी नहीं डालना है सर ग्रीन टी में। स्वाद बढ़ाना है तो कुछ शहद, तुलसी और स्टीविया डाल सकते हैं। तो सर ये रहा मेरे ग्रीन टी की बेनिफिट में, और ये देखते हैं लंबे समय तक अगर ग्रीन टी बनाकर कभी नहीं रखना है, एक बार भी याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वैक्यूम जो बॉटल है, चलो आज क्या बोलते हैं उसको पैक कर लेते हैं, बाद में उसको पी लेंगे, तो कभी नहीं करना है। ग्रीन टी को बनाने के जो अधिकतम 1 घंटा खत्म कर लें, जैसे आपने 4 कप ग्रीन टी बनाई है तो उसमें घंटे भर में इस्तेमाल करना लेना है, या अगर उसको अगर इस्तेमाल नहीं करते आप सोचते हैं कि दिन भर चलेगा, तो जो वैक्यूम फ्लास्क का बोतल तो गर्म रहेगा, लेकिन उस गर्म पानी से लेकर जो जरूरत के लिए ग्रीन टी है उसी टाइम में तैयार करना है आपको, याद रखिए। गर्म पानी को लेके जाइएगा और वहां उसी टाइम में तैयार करिएगा, पहले से तैयार करके नहीं रखना है, क्योंकि ये तरोताजा बहुत बेहतरीन काम करता है। तो ये तो रहा हमारा ग्रीन टी का बेहतरीन, और हम लोग बोलते हैं कि जितना भी हम हानिकारक जो आज चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग कई लोग तो बिस्तर में ही बैठे बैठे सोए सोए यहाँ पर चाय पी रहे, तो दोस्तों आप चाय के बदले में, शक्कर के बदले में आप बिल्कुल सुबह का शुरुआत है ग्रीन टी से करिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। और सबसे अच्छी चीज बताओ, आपको मानगोल में आपको मिलेगा शानदार ग्रीन टी। तो एक तत्व में, अगर मानगोल में एक तत्व में इतना पावरफुल, तो उसमें 6 इंग्रेडिएंट्स मिला है। तो मैं आज ग्रीन टी के बारे में अवगत कराया, आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा, और इसको पूरा शेयरिंग करिएगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू ज्योता मैडम। मायरी चर्च मॉर्निंग, आज तो हम लोग सब सर के लिए, गोविंद सर एंड वंदना मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि सर और मैडम ने आज जो बोले है कि हम लोग का उम्र नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सब यंग रहेंगे, हम लोग सब रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं तो यंग भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, अभी तो बाकी है सैर का इंफॉर्मेशन। इतना इंफॉर्मेशन के बाद भी हम लोग को मिलेगा हमारे एमडी सर से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन। तो हम सब लोग देर ना करके एक बार जोरदार क्लैपिंग में सर को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम MD सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच जोयता मैडम, मुस्कुराते हुए हंसते हुए, क्योंकि ये भी एक आदत है ना, ये भी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये भी हमारा जो है मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि हंसता हुआ जो आदमी है वो अच्छा लगता है, और गुमसुम आदमी जो है वो नहीं कर सकता। तो कम से कम हम लोग पहली कमाई यही करेंगे कि हम लोग मुस्कुराते हुए रहेंगे, तो सारे साथी जो है अपनी अपनी जगह पे, हमको तो हर वक्त ही मुस्कुराना है, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही बात करना है। दोस्तों आज 4 प्रोडक्ट पे हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग यहाँ पे सुना। ब्राह्मी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आयुर्वेद में बहुत बड़ी महत्ता है ब्राह्मी की, और इसलिए आप देखते हैं कि मायरी चर्च में जो है हमने बच्चों का जो प्रोटीन है न्यूट्रीबोन चेम्स, उसमें भी ब्राह्मी का इस्तेमाल किया गया है, और ब्राह्मी का अलग से भी हम लोग जो है कैप्सूल देते हैं, और इसको मैं रेगुलर देखता हूं कि बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे इसके परिणाम, क्योंकि इसका हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ये आयुर्वेद ने रिसर्च कर दिया, ये हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर दिया। हमारा काम क्या है कि आज आप अगर देखें, आप अगर न्यूज़पेपर को अगर देखते होंगे, तो एक वीक आप न्यूज़पेपर में ना जो इंटरनेशनल खबरों का जो जो पेज आता है, कहीं कहीं किसी में आगे आता है किसी में पीछे, उसको आप देखना शुरू करिए, स्ट्रेंथ के बारे में कोई ना कोई स्टडी, कोई ना कोई जानकारी आती ही रहती है इसकी। और इसका रीजन यह है कि आज के दिन में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, स्ट्रेस बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, तो उसमें हमारा ब्राह्मी जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। दूसरा हमारा बॉडी वॉश के बारे में वंदना मैडम ने बात किया, और बड़े पैमाने पे लोग इसको साथ ही यूज करते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, चारों प्रोडक्ट चाहे राइस ब्रांड ऑयल हो, जैसे गोविंद जी ने बहुत अच्छा बताया कि आप मान लो कि 15-20 रुपया आपने बचा लिया 1 महीने का, तो साल भर में आपने 400-500 रुपये बचा लिया,
लेकिन ये आपकी बात नहीं है, ये देश भर में कितने घर हैं हमारे देश में, लगभग हम 1.5 अरब की आबादी है तो कितने घर हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट हैं, इसके अलावा बहुत सारी जगह पे यूज होता है हर चीज हमारा हिंदुस्तान का, चाहे वो कन्याकुमारी से शुरू करें और जाके हमारा अरुणाचल प्रदेश का एकदम ऊपर तक चले जाएं, या हम लोग जो है द्वारका गुजरात से शुरू करें और पूरा कश्मीर तक चले जाएं, कहीं पे भी बिना तेल के हमारा कुछ भी नहीं बनता है, वेज नॉन वेज सब कुछ जो है हमारा तेल से शुरू होता है, हर चीज ऑयल से शुरू होती है। और मैं ईस्टर्न पार्ट में आके तो मेरे को बहुत हैरानी हुई कि ईस्टर्न पार्ट में तो तेल का जैसे इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप पूछिए मत, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, उड़ीसा में, बहुत ज्यादा बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में काफी 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 इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उसमें हम लोग, क्योंकि बहुत बार हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या बीमारी हमने ले ली है इसके कारण से, एक सिर्फ कुछ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, तो हमको इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसका सोर्स क्या है, हम जो चीज खा रहे हैं पी रहे हैं उसका सोर्स को जरूर हमें ध्यान में रखना है, उसका स्रोत क्या क्या थी। जैसे मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा साथ में, ग्रीन टी के बारे में जो जो गोविंद जी ने बात किया है, तो ग्रीन टी जो है अपने आप में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का एक खजाना है। मतलब किसी एक प्रोडक्ट के बारे में अगर बात किया जाए कि साहब एंटीऑक्सीडेंट को सीधा हमको कुछ मिनट में महसूस करना है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, तो वो है ग्रीन टी। मतलब आप ग्रीन टी पी लीजिए, आपको विद इन 5 मिनट जो है इसके रिजल्ट्स जो है दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी लोग मोटापे से भी ग्रस्त हैं, या जिनकी एकाग्रता भंग होती है, या जिनको बहुत आलस आता है, बहुत नींद आती है, या मन कंसंट्रेट नहीं होता है, तो उनके लिए जो है ग्रीन टी, और बहुत अच्छे से गोविंद जी ने रखा कब पिए, कब नहीं पिए, कैसे पिए, किस रूप में ना पिए, सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कशन किया है। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा है। क्या हम लोगों ने सीखा, तो कुछ लोगों साथियों से हम लोग जो है बात करना चाहेंगे आज के दिन में कि साहब हमने जो है आज ये सीखा है, ये चीज है, तो उसमें अगर आप हैंडरेज करेंगे तो आप लोगों से हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एकदम संक्षिप्त में अपनी बात को रखना है, छोटे में अपनी बात को रखना है, लंबा लंबा हमको नहीं बोलना है इसमें, ताकि दूसरे साथियों को भी हम लोग जो है इसका मौका दे पाए। और इन प्रोडक्ट को आप कैसे लेके जाएंगे, आप अभी भी यूज कर रहे हैं, आप अभी यूज करा रहे हैं, लेकिन आज के ट्रेनिंग के बाद और कैसे बेटर ढंग से आप जो है ले जा पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आपका जो है, आपका जो ड्रीम है उसके साथ एक माध्यम है। क्योंकि फॉलो अप के सेशन में हमने सैटरडे को बात किया था कि भाई फॉलो अप आपको देखना है कि आप जिनको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको उनका नाम, मोबाइल नंबर, आपके साथ बिजनेस एसोसिएट नहीं है, वो बिजनेस एसोसिएट है उनका तो है आपके पास, लेकिन नहीं उनका नाम, मोबाइल, एड्रेस, और ये प्रोडक्ट लिया है तो ये प्रोडक्ट कितने दिन चलेगा, तो इन सब का फॉलो अप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉलो अप कब होता है, जब हमारे पास नॉलेज होता है, जब व्यक्ति को हम अच्छे से उसकी जानकारी दे पाते हैं, तो फिर और बेटर ढंग से जो है हम उसको कर पाते हैं। तो चलिए एक बार जो है हम बबीता मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बबीता मैडम आप आइए एक बार और बताइए आज क्या जानकारी आपने से। मुझे ग्रामीण के बारे में एकदम भी कुछ भी पता नहीं था, तो आज मैंने ये ट्रेनिंग ले करके सीखा कि बहुत ग्रामीण के अंदर मेरे के लिए बच्चों के मेमोरी पावर, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, बहुत दूर से आप बात अब बात करिए। बच्चों की मिर्गी जिसको जिस नहीं, आपकी आवाज नहीं की बीमारी होती है। हेलो, चलिए फिर ट्राई करेंगे। मैं एक बार जो है सौरभ भट्टाचार्य के पास आए। सौरभ जी आप अपनी बात रखिए। सर गुड मॉर्निंग। सर हमने सीखा है जो ब्राह्मी कैप्सूल है वो तो एपिलेप्सी के लिए बहुत बेहतरीन है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो ब्राह्मी के ऊपर जो अच्छा असर पड़ता है ये हमको जानकारी नहीं थे, वो बहुत अच्छा एक जानकारी मिला है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और इसके अलावा जो राइस ब्रैन ऑयल में गामा सी गामा डी जो दिया है गामा ओरिजिनल,
हाँ वो तो हमको नहीं पता था, वो उसको जानकारी मिला है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ाता है, वो राइस ब्रैन ऑयल, ये तो बहुत अच्छा जानकारी मिला है। और हाँ लास्ट जो बोलता है, जो तुलसी बॉडी वॉश है, उसमें तो खुजली तो दूर करता है, फिर भी फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत बुरी असर पड़ता है लोगों के ऊपर, नाखून में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, उसके जो ट्रीटमेंट है तुलसी बॉडी वॉश, वो तो बहुत अच्छा जानकारी मिला है हमको। हमको तो इम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है फंगल इन्फेक्शन में जुड़े हुए है, पूछ बहुत रहा है, तो बहुत इसके लिए बहुत बेहतरीन है, ये हमको जानकारी मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, क्योंकि कंसंट्रेट होके जो है, आपको कंसंट्रेशन की जो है बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं। राकेश जी, सर माय चाय योर द मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू। सर मुझे ये ब्राह्मी के बारे में एक नई जानकारी थोड़ी सी मिल पाई है कि जी ये जो बच्चों के अंदर तुतलापन होता है उसको भी ये दूर कर सकता है। और इसमें ब्राह्मी के बारे में एक चीज मैंने ये सीखा कि ब्राह्मी कैप्सूल को हम ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे खांसी के रोगियों को भी हम बड़े आसानी के साथ दे सकते हैं, उसमें भी ये अच्छा काम करेगा। और तीसरी चीज ब्राह्मी के बारे में ये जानकारी मिली कि ये रक्त को पतला करता है, तो क्या सर इसको हम ये कार्डियो रोगियों को दे सकते हैं, जो हार्ट से हार्ट हार्ट के रोगी होते हैं इनको भी दिया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल दिया जा सकता है, जी सर। तो ये जानकारी मुझको जो अहम मिली, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपने ब्राह्मी के ऊपर जो है इस नॉलेज को लिया है। एक बार गंगाधर में तो सर गंगाधर जी आइए। गुड मॉर्निंग सर, मुझे जानकारी मिली कि ये मिर्गी में भी काम करता है जो ब्राह्मी है। हाँ मुझे पता नहीं था सर कि ब्राह्मी जो है वो मिर्गी में दिया जाता है। और हाँ ये ब्राह्मी तो करता ही, ब्राह्मी तो मिर्गी विस्टीरिया में ही मेन काम करता है, बोलने की बीमारी, अल्जाइमर, तीन मोटा मोटा तो कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो चलिए, अब नॉलेज हो गया, अब इसको फैला दीजिए, जब जब जाएंगे तभी सवेरा। विक्की सिंह जी आप आइए एक बार। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर, हाँ मैंने परसों ही किसी आंटी जी को मैंने वो मैन और मानगोल जूस पीने के लिए दिया, साथ में उन्होंने मेरे से ग्रीन टी के बारे में पूछा था कि ग्रीन टी कब लेना चाहिए। आज मुझे ग्रीन टी के बारे में पता चला, अपनी माई रिचार्ज ग्रीन टी के बारे में, कि रात को नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए एक बार जो है हम लोग मेहताब सर, मेहताब सर आइए जी, सर अनम्यूट करिए, सर अनम्यूट करिए एक बार। मैं रिचा जरवेरा मॉर्निंग सर एंड ऑल लीडर्स। सर मुझे ये ब्रह्मी के बारे में पता नहीं था कि हम बच्चों को भी दे सकते हैं सर, ये ब्रेन टॉनिक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आज पढ़ते हैं सर कल भूल जाते हैं, तो ये बहुत जबरदस्त बात हमारे लिए है, खास करके सर क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनको सर बहुत हम जेम्स के साथ देंगे सर। ये बात मुझे बहुत अच्छी समझ में आया सर। और बढ़िया, साथ सभी में टीचर्स को तो देना ही चाहिए, सभी टीचर्स को अपने बेहतर परिणाम के लिए तो चैम्स, इसलिए हम बोलते हैं टीचर्स को तो चैम्स और ब्राह्मी का ही जो है पब्लिसिटी करना चाहिए, आपका स्कोर कार्ड भी सुधर जाएगा। बहुत बढ़िया, और कुछ बोल रहे थे आप? और सर ये तेल के बारे में तो सर हमको पूरी जानकारी थी सर, और तेल तो हमारा सर झारखंड एरिया में बहुत यूज होता है, लेकिन उसमें सो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो सर घटाता है ये उतनी जानकारी नहीं थी। ये हाँ चीज बहुत अच्छा लगा सर। ग्रीन टी सर एंटीऑक्सीडेंट है, और ये मैं खुद पीता हूँ सर, लोगों को बताता भी हूँ कि ग्रीन टी पीना चाहिए। मेरे सिस्टर वगैरह भी पीती है सर ग्रीन टी। और बॉडी वॉश है सर, तो मैं नीम टी ट्री वेल ज्यादा यूज करता हूँ सर घर पे। हाँ जी अब जो है सर पहले अब मैं उसको भी यूज करूंगा सर, दोनों चीज यूज करूंगा सर। बहुत थैंक यू सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे ऑयल के बारे में आपने बोला, ऑयल के ऊपर जितनी भी जानकारी दी है ना, उसका जो लेबल लगा होता है ना, उस पे ये सारी जानकारियां लिखी हैं। अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो उसी पे ये सब जानकारियां हैं, क्योंकि लेबल बहुत इंपॉर्टेंट, हर हर प्रोडक्ट का जो लेबल है उस पे लिखी होती है, उसी को एनलार्ज करके बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बताया जाता है। तो तेल की जितनी भी जानकारी है वो उस लेबल के ऊपर सब की सब है।
एक बार दिनेश जी आप आइए एक बार, दिनेश कुमार जी। मेडिकल आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। यस सर, अभी चार प्रोडक्ट का सर हमने ट्रेनिंग मिला, इसमें राइस पनान ऑयल हो रहा है। हाँ। ग्रीन टी भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन होता क्या था सर कि ग्रीन टी को यूज करने का सिस्टम सही में कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ। अभी मिल गया, अभी बढ़ाइए सर, अभी मिल गया, अभी बढ़ाइए, अभी आगे बढ़ना है सर। बहुत बढ़िया सर, कल्पना मैडम आइए एक बार। मेडिकल आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर मैं ब्राह्मी कैप्सूल के बारे में जो नया सुना है, सीखा है आज, वो मैं बताना चाहती हूँ। जो किडनी के स्टोन के बहुत काम करते हैं, मुझे पहले पता नहीं था, तो किडनी के स्टोन के द्वारा जो प्रोडक्ट दे सकते हैं उनके साथ हम ब्राह्मी दे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ये आज पता चला। और जो गैस एसिडिटी में जो ट्रीटमेंट करते हैं हम आयुर्वेद में, उनके ब्राह्मी कैप्सूल देते हैं, ये आज पता चला। और जो चुटलाउट पर चुटलापन जो होते हैं, वो जन्मजात होते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं, उनको फायदा आएगा, ये भी आज नया पता चला है। और ग्रीन टी में एक फ्लेवोनाइड फूल के जो तत्व पाया जाता है, वो हम लोगों को त्वचा के लिए काम करते हैं, ये आज नया जानकारी मिला मुझे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैडम, आपने सारी चीजों को नोट किया है बहुत अच्छे किस्म से। मीरान शेख अनम्यूट करिए एक बार। थैंक यू सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। आप इस मोबाइल को ऐसे रखेंगे ना तो और अच्छा आपका ये आएगा, और इसको जिंदगी भर जो है ये बना ली। बहुत बढ़िया सर। मेरे को भी सर लीवर स्टोन था 3 साल पहले, तो हाँ। उसके वजह से भी बहुत तकलीफ है, मतलब जिसको है उसको बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी थी, और उसका 3 साल बाद मेरे को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी 3 साल के बाद फिर से मतलब वो पेन रिलीज होने का चालू हुआ था। तो उसके बाद बताया मेरे को कि तुलसी का सेवन करे, ग्रीन टी, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों की वजह से मेरे को उसमें भी 3-4 महीने से बहुत फर्क पड़ गया है, इस चीज से भी मेरे को भी ग्रीन टी। आज तो ये वाले टॉपिक पे ना शुक्रवार को आपसे बात करेंगे, आज हाँ। ये 4 प्रोडक्ट पे हमने क्या सीखा उस पे बात करें। हाँ, और ब्राह्मी कैप्सूल में भी वो जो हाई डिसीज ऐसे लोगों को अभी ब्लड का जो जाड़ापन, जो खून जाड़ा हो जाता है, उसके वजह से क्या हार्ट में जो तकलीफ होती है, वो चीजें भी अभी लोगों में मतलब बहुत दिखने मिल रही है। अभी मेरे रिलेशन में भी एक है, तो वो भी उनको भी मतलब बताने वाला हूँ मैं, ये भी मेरे को सीखने मिला। और अभी के लोगों को, बच्चों को भी डिप्रेशन की तकलीफ अभी बहुत होती है, जैसे पढ़ाई को लेकर बड़े को मतलब टेंशन के मारे में डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती है, तो ये चीजें भी सीखने मिली उनको, अब समझाने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, आपकी आवाज बहुत शानदार है, इसको लगातार जो है फील्ड में भी यूज करनी। माया शंकर जी आइए एक बार, बहुत बढ़िया। हाँ माया शंकर जी। मॉर्निंग सर। जी सर, ये ब्राह्मी के बारे में मुझे ये पता सर कि अल्जाइमर रोग में सहायक है ब्राह्मी कैप्सूल। हाँ जी। उसके बाद हिस्ट्रिया रोग में भी फायदेमंद है जी। और दूसरा ये तुलसी वडिया से ये पता चला, त्वचा में बेहतरीन तरीके से साफ करता है, और जांघों और बगलों के बीच की खुजली को दूर करता है जी। ये सबसे ज्यादा बीमारी अभी हो रहा है सर, जांघों और खुजलों के बीच जी। और राइस वर्न ऑयल के बारे में मुझे ये पता चला कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का भी ये स्रोत है जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रफीक सर के पास जाते हैं। रफीक आलम। मैं जय द मॉर्निंग सर। सर पहले तो हम लोग मैग्रेन में ब्राह्मी चलाते, लेकिन आज बहुत सारा जानकारी मिला कि पतलापन जैसे हो गया, उसके बाद सर उनको ही करने में। और सर ग्रीन टी तो हम लोग यूज करते थे पहले, 7 दिन को देते थे, लेकिन आज पता चला कि यूज करने से उसमें मैंने स्किन का भी चेहरा पर ग्लोपन भी लेकर आते हैं सर। और राइस ब्रांड तो हम लोग सर रेगुलर यूज कर ही रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल उसमें नहीं रहता है, और मार्केट से बहुत कम खपत होता था तेल, राइस ब्रांड जो है मार्केट का तेल से बहुत कम यूज, बहुत कम खपत होता है जी। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार राम रतन जी के पास जाएंगे, राम रतन जी
मॉर्निंग सर, मुझे आज ब्राह्मणी के बारे में ये पता नहीं था जो बच्चों के तुतलापन दूर होता है, और मेरे बगल में दो बच्चे हैं जिनको जन्म से ही तुतलापन है सर, तो ये ब्राह्मणी हम ये जानना चाहते हैं जो 4-5 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं सर। हाँ, 5 साल के बच्चे को दे सकते हैं, मानगुल साथ में जरूर दे रहे। हाँ, तो ये दो बच्चे हैं हमारे बगल के ही, वो बहुत तुतलापन आता है उनको। और उनके घर वालों को बोलिए बहुत तुतलाए, तो खुद को उनको नहीं तुतलाना है। कई बार क्या घर वाले साथ में तुतलाने लग जाते हैं, बोले आपको क्लियर बोलना है बच्चे के साथ। हाँ, उनके घर में उसको बोलना है, घर में सर साहब बहुत घर में सारे लोग तुतलाते हैं सर। हाँ, तो उनको इस चीज को तुतलाने की प्रॉब्लम है तो अलग चीज है, नहीं तो उनको नेचुरल है, उनको नहीं तुतलाना है, ये चीज हमको बताना है। बहुत बढ़िया, चलिए बिना मैडम आइए एक बार। मारी चाचा वाला मॉर्निंग सर, मुझे ब्राह्मी के बारे में पता चला, वो बच्चों का जो तुतलापन होता है वो तो ठीक होता ही है, और कंसंटेंट को भी बढ़ाता है, और किडनी का जो पत्थर है उसको भी ठीक करेगा ब्राह्मी, ये मुझे पता नहीं था सर, मुझे पता चला आज। और तेल के बारे में, तो तेल हम लोग यूज करते ही है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल को मतलब बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और हमारा तुलसी बॉडी वाश है तो वो दांत खाज खुजली के लिए तो अच्छा ही है, ये हम लोग दे सकते हैं, रिफर कर सकते हैं, हम तो खुद भी यूज करते हैं इसको, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है सर। और मैंने ये कौन सा है, चलिए बहुत बढ़िया मैडम, आपने सारे लिखे हैं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। पिंटू बेरा, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। पिंटू बेरा जी अनम्यूट करिए। मॉर्निंग सर, बताइए। तो बहुत कुछ जानकारी मिला था, बाढ़ जो हमारा कैप्सूल है वो तो हमको पता नहीं है, जो हार्ट का जो बीमारी है उसको देना सकता, इसलिए मिर्गी जो बीमारी है उसको भी देना सकता, किडनी का स्टोन ये भी पता नहीं है, तभी मिला है। तो गैस एसिड का जो समस्या है वो भी पता नहीं है, अभी पता है। ग्रीन टी का जो पता नहीं है, जो दांत जो खरा है पड़ा, तो उसका मैं गिनती इतना बढ़िया रिजल्ट आता, वो भी हमको नहीं पता। इसका बाद जो जिसका नींद नहीं आता, जो उसको क्यों वो भी पता है, जो रात में वो हॉट टाइम गिनती पीता इसलिए नींद आता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपने नोट किया, आपने नोट किया है, आपने सीखा है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत शानदार। अरुण जी एक बार आप आइए, अनम्यूट करिए। मॉर्निंग सर, आज ब्राह्मी से नया जानकारी मिला, जो श्वास संबंधी समस्या जो है, खांसी कफ प्लस रक्त को पतला करने में कैंसर से के जोखिम को भी कम करता है, ये बहुत अच्छा जानकारी मिला। और राइस वाइल में है जो हड्डी को मजबूत और हार्मोन को भी बढ़ाता है, ये एक नया जानकारी मिला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सुनीता मैडम आप आइए। सुनीता मैडम जी। माय टीचर मॉर्निंग सर। जी मैम। सर ब्राह्मणी से हमर जे होलो जे आमी जानतम ना जे एते टेंशन कमाय एवं घूम होय राते, सेटा आमार जाना छिलो ना, एटा जानतम जानतम जे बच्चादेर ब्राह्मणी दिले पड़े ब्रेनटा भालो होय, কিন্তু আমি এটা জানলাম যে রাতে ঘুমটাও ভালো হয়, টেনশনও কমে, এটা আমি জানলাম। বাচ্চাদের তোতলা পাও যে এটা তোতলায় অনেক বাচ্চা সেগুলো কমে যায়, সেটাও আজকে জানলাম, মঙ্গলের সাথে দিতে হবে। এটা আমার একটা বাচ্চার আমাদেরই একটা জানাশোনা বাচ্চা রয়েছে, তাকে আমি এটা আবার দেব। বহুত শানদার ম্যাডাম, বহুত হি বড়িয়া। চলিয়ে থোড়া ওর আগে বড়তে হ্যাঁ, সুমিতা ডে। सुमिता मैडम अनम्यूट करिए आप। जी मैम जी रखिए अपनी बात। मैं गुड मॉर्निंग जी मैम, बताइए। बैरकपुर से बोल छी, आमी आज के ब्राह्मी जेटा बोललेन उनी, ब्राह्मी तो स्टोनर काज करछे, किडनी तो स्टोन, और अपना जे तोतला भापटा सेटा भालो हय, एटा खूब भालो लागलो। और तुलसी बॉडी वाशे जे पीएच लेवलटा आमादेर ठीक थाके ओटा भालो लागलो।
আর গ্রিন টিতে যে আমাদের দাঁতের জন্য ভালো সেটাও খুব ভালো লাগলো, আজকে নতুন জানকারি পেলাম। খাওয়ার নিয়মটা যে কখন খাবো সেটাও জানতে পারলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। বহুত বড়িয়া, বহুত সুন্দর, বহুত সুন্দর, বহুত হি বড়িয়া। রাখি সুতন্দা, রাখি ম্যাডাম আইয়ে জি, ম্যাম আনমিউট করিয়ে। স্যার গুড মাই রিচার্জ মর্নিং স্যার। জি ম্যাম বতাইয়ে কেসি। না আগে আগে মানে ইসে ছিল না, জানতাম না যে ব্রাহ্মী মির্গি রোগের কাজ করে। হ্যাঁ আপ তো লেকিন হিন্দি বলতে বলতে ফির বেঙ্গলি মে চলে গে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাংলাতেই বলি স্যার। হ্যাঁ বাংলাতেই বলি। হ্যাঁ বলো। আর তুতলা তুতলা তেও কাজ করে ব্রাহ্মী, আর তুলসী বডি সর্দি সর্দিতেও কাজ করে, আর খুজে খাস খুজলিতে দাঁত এগুলো তো কাজ করে, আগে জানতাম না। আর রাইস ব্রেন অয়েল, জিরো কোলেস্টেরল, ব্যাড কোলেস্টেরল ওইগুলো তো কাজ করে, ফ্যাটের কাজ করে। আর গ্রিন টি, গ্রিন টি দাঁতের কাজ করে, মুখের ব্যাকটেরিয়া সরায়। বহুত বড়িয়া, বহুত শানদার ম্যাডাম। হাম লোগো নে জিতনা ভি জানকারি লি হ্যায়, দেখি অ্যাপ্লাইড নলেজ জো হ্যায় না ওহি নলেজ কাম কা হ্যায়, বাকি নলেজ কুছ কাম কা নাহি হ্যায়। তো আজ হাম ক্যা করেঙ্গে, হামনে স্যাটারডে কো ফলো আপ কা লিয়া থা, উসি ফলো আপ কা প্রোডাক্ট কা ফলো আপ মে জো হ্যায় হামনে জো জ্ঞান লে লিয়া হ্যায় উসকো হামকো দূসরো কো দেনা হ্যায়। দেনা ক্যা হ্যায়, প্রোডাক্ট কো শেয়ার করনা হ্যায়। তো আজ কে দিন মে ইন চার প্রোডাক্ট কো হাম ক্যা অর দূসরে প্রোডাক্ট কে সাথ জো হ্যায় कैसे शेयर कर सकते हैं। आज स्मार्ट कंज्यूमर का आखिरी दिन है, तो साथियों बहुत सारे दोस्तों ने अभी हैंड रेज किए हैं, ये एक अच्छी चीज है कि हम कभी भी जो है इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ साथियों का नाम पढ़ देता हूं, परबीर सर, रंजन कुमार सर, रेडमी 9, नाम लिखना सीखिए भाई अपना, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। धर्मेंद्र जी, राजू प्रसाद, सत्यवीर, संतोष कुमार, रॉबिन सिंह, प्रमोद कुमार, स्वपन दास, स्वप्न दास, राखी विश्वास, रंजय दास, और भी बहुत सारे नाम हैं भाई। तो इसलिए जो है आज का, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है जूम का, अब हम लोग जो है आज स्मार्ट कंज्यूमर हमको अपनी टीम में सब लोगों को साथियों का पूरा कराना है, और साथ में जो है नए साथियों से, क्योंकि रोज हमारा ये हमने एक संकल्प लिखा है सब लोगों ने अपनी डायरी में, जिन्होंने डायरी नहीं बनाई है वो डायरी बनाएं, और संकल्प की रोज दो साथियों से मुझे मिलना ही मिलना है माय रिचार्ज के बिजनेस को लेके। इस चीज को आप रेगुलर सीखना है, अप्लाई करना है, सीखना है, अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि 90 दिन बाद जो है आपके बिजनेस से एक बहुत अच्छा जो है इंप्रूवमेंट आपके बिजनेस में होने लग गया। थैंक यू वेरी मच। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।